लक्ष्मी, लाल फूल ले लियो तुमने? जी माँ। और देसी घी और सरसों का तेल? हाँ, और खोए का प्रसाद भी जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही रख दिया है। मंगल लक्ष्मी सीरियल के आने वाले एपिसोड में हमें फुल ऑन ड्रामा देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई अब डांस कंपटीशन का माहौल है। जी हाँ, वही डांस जो ईशाना अपनी माँ के साथ करने वाली थी, और इस बार उसने फॉर्म पर अपनी माँ का नहीं बल्कि सौम्या का नाम लिखा था, ये तो आपको पता ही था। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई डांस कॉम्पिटिशन शुरू होने वाला है और कहीं सास बहू के बीच मेल ना हो जाए। लक्ष्मी लाओ सामान थोड़ा मुझे दे दो, कहीं तुम्हारी साड़ी ना खराब हो जाए। बुआ जी आप क्यों कष्ट करती हैं? मेरे होते हुए आप क्यों सामान पकड़ेंगी? मैं ख्याल रख सकती हूँ। इस बार स्टेज पर ईशाना और सौम्या डांस करेंगे साथ में, जबकि यहाँ पर डांस ईशाना और मंगल को करना चाहिए क्योंकि भाई ईशाना की असली माँ तो मंगल ही है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई इस बार ईशाना और सौम्या साथ में डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेंगे, और इस बार आदित्य जो है उन्हें फुल सपोर्ट करते हुए नजर आएगा। और बहुत जल्द यहाँ पर देखिए मंदिर भी पास में ही आ गया। अब चल देखते हैं कितना ख्याल रख सकती है तू। हे माता रानी, मेरी दीदी की इच्छा पूरी हो, दीदी और ईशाना दोनों का सपना पूरा, आशीर्वाद देना। मंगल के सामने ये सच्चाई आएगी कि किस तरह ईशाना ने अपनी माँ यानी मंगल को ना चुनकर सौम्या को चुना है। तो फिलहाल एपिसोड में हम देख सकते हैं कि भाई आदित्य के सामने ईशाना का झूठ आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि भाई ईशाना के पैर में कोई भी चोट नहीं लगी है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। और इस बार आदित्य जो है एकदम आग बबूला हो जाता है क्योंकि भाई मंगल जबरदस्ती ईशाना को भाभी तेल चढ़ा दे। लक्ष्मी तेल चढ़ा दो। जी हॉस्टल से लेकर आती और उसे तो मौका ही चाहिए मंगल को बार बार खरी खोटी सुनाने का। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देख रहे हैं भाई यहाँ पर आदित्य जो है बिल्कुल गुस्से में आकर सभी घर वालों को बताता है कि किस तरह से दोबारा से ईशाना ने झूठ बोला, और ये सारी बातें सुनकर सभी घर वाले शॉक में भी आ जाते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर फिर से हे माता रानी क्या हो गया? लक्ष्मी कितनी लापरवाही, हम मेरी तरफ क्या देख रही है? मैंने तुम्हारी चीजों को छुआ भी नहीं है। एक बार हमारे आदित्य ने बेचारी हमारी मंगल पर सारा ब्लेम डाल दिया है, सारी चीज उस पर थोप दी और कहता है कि किसी की भी गलती नहीं है, सिर्फ सारी गलती जो है सिर्फ और सिर्फ मंगल की है। मंगल एक माँ है और उसे समझना चाहिए कि किस तरह से उसके बच्चे उसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, लेकिन मंगल इतनी बेवकूफ है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता। और ये सारी बातें आदित्य जो है वो हमारी मंगल को सुनाता है और वो उसकी परवरिश पर भी जाता है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है कि भाई आदित्य ने इस बार डिमांड की है मंगल से कि उसे हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी उससे और अपनी गलती एक्सेप्ट करनी होगी। और हमारी मंगल इतनी सीधी है कि इस बार मंगल जो है हाथ जोड़कर आदित्य से माफी मांगती है, और इसी के साथ उसने अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन यहाँ पर मंगल जो है अभी भी एक बात पर अड़ी है और वो कहती है कि वो ईशाना को हॉस्टल नहीं जाने देगी। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भाई बहुत जल्द यहाँ पर हमारी मंगल के सामने ईशाना का झूठ आ जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर ईशाना ने सौम्या को चुना है अपनी माँ की जगह। और आने वाले एपिसोड में देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा मंगल का रिएक्शन जब उसके सामने ये सच्चाई आएगी।